Very beautiful. It's actually heaven on earth. We had a bad luck that we know we have come on off season. So maybe we are not getting that type of environment right now. But yeah, it's still beautiful and it will always be beautiful. I hope so. It all depends upon what media says. The people who stays over here, they all know what's actually happening over here. So we, till now, we didn't have any bad experience. Obviously, I haven't heard anyone, any tourist say that we have any bad experience or some. Yeah, it is actually paradise. Just the people should actually, encourage what the nature gives us. And till we appreciate that, we'll get the best of it. काफी अच्छा है, बस इतना है कि ऑटम के टाइम आई डोंट नो द यहाँ पे कैसे सीजन कैसे डिफर करता है, लाइक कैसा एनवायरनमेंट रहता है, बट बस ये अच्छा है. वी आर विजिटिंग बलमार प्रोबेबली बाय डे आफ्टर टुमारो एंड इट सेड दैट दिस इज द टाइम व्हेन ऑटम एंड विंटर बोथ द सीजंस आर लाइक गोइंग ऑन एट दिस ऑटम इज अबाउट टू फिनिश सो दैट्स वी आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ द सीजंस ओके. मुझे माहौल तो एज यूजुअल लाइक तो कुछ भी तरह की सिचुएशन नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा कि कोविड का इधर कोई ना कोई एक तो मास्क एक तो कर रहा ना कोई अपना सोशल डिस्टेंसिंग एक तो पाल रहा है और कोई कोविड का सिम्टम्स नजर ही नहीं आते एक्चुअली. जितने डरावनी सिचुएशन बताई जा रही है वैसे तो कोटेशन पे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हमेशा सभी लोग आना चाहिए और कोविड का क्या और इनफैक्ट एक तो वो आतंकवाद का क्या कुछ भी सिचुएशन तो कुछ भी नज़र नहीं आती है, नॉर्मल सब नॉर्मल लग रहा है और सब एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करेगी भी. तो बेझिझक आइएगा और कश्मीर का इनफैक्ट एक तो स्वर्ग ही है. डर तो शायद मीडिया ही फैला रहा है, वैसे तो कोई डरावनी सिचुएशन है नहीं है और कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बहुत बढ़िया है. आप आइए, मोस्ट वेलकम. मौसम तो बिल्कुल एकदम मतलब अभी 14 तारीख के आसपास सुना है कि बर्फ भी गिरने वाली है, तो एनीवे 12 तारीख को मैं तो निकल जाऊंगा. बट कश्मीर के बारे में कुछ टिप्पणी करना कुछ बोलना आई थिंक बोलते ना कि भाई सूरज को चंद्रमा को उंगली दिखाने के जैसा है. बट देन गार्डन में भी गया था, मुगल गार्डन, शालीमार गार्डन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है लेकिन मेंटेनेंस पार्ट देखा जाए तो अभी मतलब इतना अच्छा वहाँ पे नहीं हो पा रहा है. अभी आप शालीमार गार्डन में ही हैं? शालीमार गार्डन, शालीमार से हम लोग आए हैं. शालीमार गार्डन देखा था, बहुत बड़ा है वो लेकिन मेंटेनेंस की बिल्कुल कमी है. देखिए जो कश्मीर में जो आ रहे हैं और या बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो हमारे इंडिया से भारतवर्ष से हैं और बड़े दूर दूर जगह से आना चाहते हैं कश्मीर, सबसे पहले जब कश्मीर का नाम लिया जाता था पिछले कुछ सालों से तो कश्मीर के साथ में जो एक टेररिज्म का मुद्दा मेन है जोड़ा जाता था. तो जब मैं खुद आ रहा था मैं सोच रहा था, लोगों ने बोला अरे कहाँ जा रहे हो, ये वो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता. तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है और वो भी हमारे पार्ट ऑफ इंडिया मनली. बट व्हेन आई केम हियर आई फाउंड दैट बड़ा खुशनुमा, सब लोग बड़े बड़े मतलब प्यार से मिलते जुलते हैं एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. दो ही चीज़ें जो आपने बताया, एक तो कोविड 19 का आपने बताया, कोविड 19 का मुझे तो कोई असर समझ में ही नहीं आया कि कोई कोविड 19 फॉलो भी कर रहा है, कोई लोग तो मास्क भी नहीं लगाते हैं. जो कोविड से जो बीमारी फैलती है लोगों को, ऐसे भी मुझे पेपर में भी पढ़ता हूँ कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली श्रीनगर की साइड में ज़्यादा पेशेंट्स वगैरह भी नहीं है, तो वो तो एक मुद्दा ना आने का नहीं होना चाहिए बट फिर भी है. दूसरा ये टेररिज्म का है, तो मुझे दोनों ही चीज़ें बिल्कुल लगते हैं कि बड़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं. कोविड का भी बहुत बड़ा डराया हुआ है हमको, प्लस जो दूसरी चीज़ मैं आपको टेररिज्म के बारे में बता रहा हूँ. तो मुझे मैं तो यही लोगों से बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से कि भाई आप लोग आइए और आने के बाद में आपको समझ में आएगा कि कश्मीर क्या चीज़ है.